أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين يا सूरत फातिहा का दूसरा हिस्सा शुरू हो रहा है और यकीनन यही हिस्सा जो है सूरत फातिहा में मरकज़ी हैसियत रखता है जैसे कि तफसीर इबन कसीर वाले फरमाते हैं कि कुरान करीम का राज हैं और वो राज सूरत फातहा के अंदर हैं और सूरत फातहा का राज इसी कलमा ईया कनाबो व ईया कनस् के अंदर मौजूद अब इस हिस्से का माकबल हिस्से के साथ रबत क्या है जोड़ क्या है मुनासबत क्या है याद रखी माकबल हिस्से में अल्लाह के पांच सिफ़ात बयान होंगे नंबर एक अल्लाह नंबर दो रब नंबर तीन रहमान नंबर चार रहीम नंबर पाँच मालिक और इस हिस्से में फरमाया इया का नाबुद इशारा इस बात की तरफ कि जब तक इन पांच सिफात पर ईमान नहीं होगा जब तक इन पांच सिफात पर अपना अक़दा दुरुस्त नहीं करोगे उस वक़्त तक आपकी कोई भी इबादत कबूल नहीं एक रबत तो ये हैं दूसरी किराम ये फरमाते हैं के माकबल्ल हिस्से में बयान अहकामी इल्मी का और इस हिस्से में यानी ईया या कनाबू व ई या जो दूसरा हिस्सा है इसमें बयान अहकामी अमली का है और यकीनन तीसरी बात जो है ईया का व ईया कनस्ताइन दोनों जगहों पर मफूल को मुकदम किए यानी पहले किया असल में है नाबुदू ईया का व नस्ताइन ई का लेकिन ईया का व ईया का इसको पहले रखा ताकि हसर का फायदा दे अब जब हसर का फ़ायदा तो माना इस तरह करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ईया का नाबूदू ख़ास तेरी ही इबादत करते हैं इबादत नहीं करते औरों की व ई क और ख़ास तुझी से मदद मांगते हैं माफों कल असबाब माफोकल असबाब ये लफ्जी माना है ई या कना बुधू ख़ास तेरी ही बी ना ही अगर बी कहोगे तो माना ख़राब हो जाएगा यानी ईया या कना बुदू तेरी बी इबादत करते हैं सही नहीं फिर तो मकसद ये हुआ कि आपकी इबादत करते हैं ज़रूरत पड़े तो इधर उधर भी ज़रा मुंह मार लेते हैं तो इसलिए बी के जगह ही लाना है तो माना हो गया ईया कनाबू ख़ास तेरी ही इबादत करते हैं और इबादत नहीं करते औरों की व ई कन और ख़ास तुझ ही से मदद मांगते हैं मा कल असबाब मदद मा नहीं मांगते किसी औरों से कल असबाब और याद रखें नाबुदू इबादत इबादत माना क्या है आजजी आबादा या याबुदुब माना आजजी और ये भी जहन में रखें कि इबादत ये मरकब है तीन अज्जा पर कितने अज्जा पर तीन अज्जा पर लंबर एक मोहब्बत लंबर दो उम्मीद नंबर तीन खौफ जब ये तीनों जमा हो जाए ना तो इसे इबादत कहा जाता है कामिल इबादत अगर इन तीनों में से एक कम हो तो वो इबादत इबादत कामिल नहीं ज़रा देखें सूरत बनी इसराइल आयत नंबर सतावन देखें वहाँ पर ये तीनों मौजूद हो सूरत बनी इसराइल पंद्रवा पारा तावन आया जरा बीस से देखें आयो अकराबू कौन हैं इनमें से ज्यादा करीब अल्लाह के अकराबू मोहब्बत आ गई करीब दूसरा जुस क्या है वर्जूना और उम्मीद रखते हैं रहमत हूँ उसकी रहमत की उम्मीद आ गई और तीसरा जुस क्या है इबादत का वाफूना अदूँ और डरते हैं उसके अजाब से डरते हैं उसके अजाब से तो इबादत मरकब हैं इन तीन अज्जा पर लम्बर एक मोहब्बत आयो हम अक्रब लम्बर दो उम्मीद व अर्जुन रहमत हूँ नंबर तीन खौफ व अज़ाब हूँ अब जिस तरह इबादत मरकब हैं तीन अज्जा पर इसी तरह इबादत मुनक़सिम है तीन पर किन पर जी तीन पर नंबर एक इबादत बिल जवारे जिसे आजा वगैरह कहा जाता है लंबर दो इबादत बिल लिसान और नंबर तीन इबादत बिल बिलकल्ब कितने हो गए जी तीन जरा देखें पहला पारा आखिरी सफा जो है बिल्कुल आखिरी सफा सूरत बकारा आयात देखें 136 पहले देखें आयात का आखिरी हिस्सा देखें मालूम हुआ व नहु मुस्लिम नब इसमें इशारा है कौन सी इबादत की तरफ इबादत बिलजवार की तरफ सही है ना जी अब जरा एक आयात दो एक आयात छोड़ के दूसरे आयात की तरफ आ जाए आयात नंबर 138 की तरफ व नहनु लहू आबिदून नजर आ रहा है जी अब इसमें इशारा है इबादत लिसान की तरफ किसकी तरफ इबादत बिल लिसान अब एक आयात जरा और नीचे आ जाए एक सौ उनतालीस व ना इशारा है इबादत बिलकल की तरफ इशारा है इबादत बिलकल की तरफ मुस्लिम में इशारा है इबादत बिलजवार की तरफ आबिदून में इशारा है इबादत बिल्सान की तरफ और मुखलसून में इशारा है इबादत बिल कल्ब मोटा कौफ बिल आ उसकी तरफ इशारा है सही है ना जी अब ये मसला भी ऐसा मसला है इबादत अल्लाह ने अगर इस कायनत को वजूद दिया और फिर इस कायनत में मुख्तलिफ किस्म के मखलूक़ात पैदा किए और उन्ही मखलूक़ात में से एक मखलूक इंसान भी हैं अब इन इंसानों का पैदा करने का मकसद भी इबादत है मकसद क्या है जी इबादत ज़रा देखें सूरत इज़ारियात तो छब्बीसवा पारा सूरत इज़ारियात देखें जरा छब्बीसवा पारा आयत नंबर गालिबन सतावन या अठावन आयत नंबर छप्पन सताइसवा पारा शुरू छब्बीस में और खत्म यानी तकमील जो है सत्ताईस में बिल्कुल आखिरी आयतें हैं मालूम कर लिए जी व मा जिन्न नवल इंसा इल्ला लियाबुदुना हाँ व मा खलकुलजन्ना इंसा अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? नहीं पैदा फरमाया मैं अल्लाह ने अल जन्ना जन्नात को इंसा और इंसानों को इल्ला लिया बदून मगर सिर्फ अपनी इबादत के लिए इल्ला लिया बबून मगर सिर्फ अपनी इबादत के लिए तो गोया इंसान की पैदाइश का मकसद क्या है लियाबुदून सही है ना जी इसी तरह अम्बिया कराम को भेजने का मकसद भी यही था अम्बिया कराम का जो सिलसिला अल्लाह ने शुरू फरमाया था उनके अरसाल उनके भेजने का मकसद भी यही जरा देखें सूरत अम्बिया सूरत अम्बिया देखें सूरत अम्बिया आठ नंबर देखें जरा सत्तावन नहीं आयत नंबर देखें पच्चीस वमा और कबल का मेर रसूलिन नहीं भेजा हमने मिन कबल का आपसे पहले मेर रसूलिन कोई रसूल अल्ला नू ही इले ही मगर हम ही उसी की तरफ वही करने वाले थे कौन सी वही ला इल्ला अना फ़ाबुदून हाँ अम्बिया के नाम का भेजने का मकसद भी यही है ला फ़ाबुदून सही है ना जी और इसी तरह झगड़ा भी इसी मसले में था मुशरिकीन की जो मुखालिफत थी ना मुशरिकियों का जो झगड़ा था वो भी इसी मसले की वजह से था इस मसले की वजह से इसी मसले की वजह से ज़रा देखें सूरत आराफ सूरत आराफ़ देखें आयत नंबर सत्तर देखें बहुत सारी आयतें मैं सिर्फ़ एक ही आयत पर इतफ़ा कर रहा हूँ सूरत आराफ आयत नंबर सत्तर मालूम कर लीजिए कालू अज इतना लनाबुल्लाह वाह अब देखिए यहाँ पर कौम क्या कह रहे हैं आ अपने पैगम्बर को क्या फरमा रहे हैं क्या कह रहे हैं कालू कहने लगे कौम अज ताना आप हमारे पास इसलिए आए कि हम इबादत करें एक अल्लाह की अल्लाह की इबादत करें और छोड़ दें इबादत उन महबूदों की काना या बुध उना जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते थे जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते थे हाँ इसी पर झगड़ा था आगे फरमाया फातिना फसलेआ हमारे पास वो अजाब जिससे तू हमें डरा रहा है इनकुन तम इना अगर हो आप सचों में से हाँ झगड़ा इसी पर था इसी तरह सूरत बनी इसराइल देखे ज़रा आयात नंबर छियालीस जब ये मसला मशरकिन के कानों में पड़ता ना तो फौरन पीठ पैर लेते मुंह मोड़ लेते थे आयात नंबर छियालीस आयत के आखिरी हिस्से को देखें वह इरादा करदा रबा का फिल कुरान जब आप याद करें अपने रब को क़ुरान में वह दहूँ अकेले वह दहूँ अकेले क्या मकसद यानी जब आप ये कहो हाँ जब आप ये फरमाएं कि एक अल्लाह इबादत के लायक हैं सुनने वाला एक अल्लाह हाजत रवा मुश्किल कुशा एक अल्लाह हाँ लायक इबादत के लायक सिर्फ़ एक अल्लाह नजरों न्यास के लायक सिर्फ़ एक अल्लाह तो क्या करते हैं वल्ल वालबार ही नफूरा मुँह पैर लेते हैं पीठ पैर लेते हैं और इसी मसले के साथ आ नफ़रत करने लग जाते हैं नफूरा नफ़रत करते हैं इस मसले के साथ कौन सा मसला व इदाद कर तो फिलकुर आनी वह दहू वह जब आप एक अल्लाह की बड़ाई बयान करो ना एक अल्लाह की वहदानियत एक अल्लाह की तोहिद के मुतालिक बयान वल्ल अदबारहीम मुंह मोड़ लेते हैं पीठ पैर लेते हैं और नफूरा नफ़रत करने लग जाते हैं इस मसले के साथ तो याद रखें यह मसला कोई मामूली मसला नहीं इसलिए सूरत फातिहा में फरमाया बुदू व ईया क ईया कनाब दूँ ख़ास तेरी ही इबादत करते हैं और इबादत नहीं करते किसी और की व ईया कन और व ईया कनस्ताइन और ख़ास तुझ ही से मदद मांगते हैं मा फौकल असबाब और किसी से मदद नहीं मांगते मा फौकल असबाब एह दिन मुस्तकीम तीसरा हिस्सा तो इनशा ज़िंदगी रही तो कल अल्लाह इज़्ज़त हमारे इस दर्स को अपने दरबार में कबूल मंजूर फ़रमाएँ बिलखसूस हमारे वालदेन के लिए हमारे तमाम इसमाम के लिए हमारे तमाम शय के लिए और इसी तरह तमाम हक उलमा के लिए तलबा के लिए आप के लिए आपके वालदेन के लिए हमारे लिए हमारे अहलवायाल के लिए अल्लाह करीम ज़रिए निजात और ज़रिए बख्शिश बना दें जिस कदर मुसलमान दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह सब की माफरत फरमा दें अल्लाह सब, दे। अल्ला सब के दराजात को बुलंद फरमा दें अल्लाह सब केहल आयाल को सब्र जमील अता फ़रमा दें जो बीमार हैं अल्लाह सब को शिफा कामला और सेहत कामिला नसीब फ़रमा दें जो परेशान हैं अल्लाह सब की परेशानियों को खुशियों में तब्दील फरमा दें जिनके यहाँ औलाद नहीं अल्लाह उनकी जोलियों को औलाद के नेमत से भर दें जिनके यहाँ नारियना औलाद नहीं अल्लाह उनकी जोलियों हाँ को नारियना औलाद के नेमत से भर दें जो साहिब औलाद हैं अल्लाह उनकी औलाद को हमारी औलाद समेत अपने दीन में कबूल और मंजूर फरमा लें अल्लाह हम सब को अपने दीन में कबूल और मंजूर फरमाएँ अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमाएँ अल्लाह हम सबका ख़ात्मा ईमान पर नसीब फरमाए और ख़ास कर मरते वक़्त ये खूबसूरत कलमा ला रसूलुल्लाह अल्लाह हमारी ज़बान पर जारी और सारी फ़रमाए अल्हम्दुलिल्लाह